अपने काम सारे एक्टर्स के साथ किया सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया फिर सेलेक्टिव क्यों होना पड़ा आ, खेसारी के, जी के साथ मुझे करना है काम क्योंकि मैंने उनके साथ भी काफी सुना है उनके बारे में तो मैं भी लव टू नहीं मेरे को अभी दो तीन फिल्में के लिए बात हो गई थी लेकिन क्या है डेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी खेसारी जी के साथ चिंटू जी के साथ मैंने काम किया है तो देखिए इनका ये कहना इनका नाम है संज संजीता बनर्जी नाम है इनका ठीक है और इनका इच्छा ये है कि मैं खेसारी जी के साथ काम करूं और कहीं ना कहीं भोजपुर इंडस्ट्री में जब कोई आता है हीरोइन बनने तो उनका इच्छा ये होता है कि एक बार एक बार मुझे खेसारी लाल यादव के साथ में काम मिल जाए और जब तक खेसारी लाल यादव के साथ में किसी कोई काम नहीं करता है तब तक उसका नाम और फेम इतना बड़ा नहीं होता ये मैं लिख के दे सकता हूँ जितना हीरोइन खेसारी भैया ने प्रोड्यूस किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने किया हो मतलब बहुत सारे हीरोइनों को पहली बार खेसारी भैया ने लॉन्च किया है ठीक है आप सबको पता होगा बहुत सारे हीरोइन हैं नाम गिनाऊंगा तो कम पड़ जाएगा और ये जो संजीता बनर्जी है पहली बार निर्वा हिंदुस्तानी दो पार्ट टू में शायद काम की थी ठीक है और कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि इनका फिल्म आ रहा है साथ में और बहुत लोगों का डिमांड भी रहता है कि खेसारी भैया के साथ में इनका फिल्म आना चाहिए और इनका ये कहना है कि दो तीन फिल्मों के लिए बात चल रही थी फिर डेट नहीं मिला ये वगैरह करके बोल रही हैं और संजीता बैनर्जी बहुत सारे एक्टरों के साथ में काम कर चुकी हैं जैसे दिनेश लाल यादनी रह पवन भैया चिंटू पांडे सबके साथ में काम कर चुकी हैं लेकिन अभी तक खेसारी भैया के साथ में इनको काम नहीं मिला है ठीक है <laughs> और कहीं ना कहीं सबका इच्छा होता है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ में काम करूं क्योंकि भाई नाम ही ब्रांड है ठीक है और एक बार जो है कोई खेसारी भैया के साथ में काम कर ले तो भाई फिर उनका हाँ चारों धाम कम्प्लीट हो जाता है ठीक है भाई तो ये संजीता बनर्जी का भी यही इच्छा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ में काम करूँ बहुत इच्छा है लेकिन शायद हमारे सरकार हम रेडी नहीं हो रहे हैं कि क्या है कैसा है मुझे नहीं पता है और मेरा मानना है कि एक बार करना चाहिए टैलेंटेड लड़की है अच्छी गुड लुकिंग भी है ठीक है और सबके साथ में काम कर लिया प्रॉब्लम ये आ जाती है ना भोजपुर इंडस्ट्री में बड़ा राजनीति चलता है यहाँ पे टैलेंट देख के थोड़ी काम मिलता है <laughs> यहाँ पे दूसरे हिसाब से काम मिलता है ना भाई ये प्रॉब्लम है लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है कि हमारी सरकार इस लड़की को काम जरूर देंगे और कहीं ना कहीं ठीक है बढ़िया है और अब तो क्या प्रॉब्लम थी किस लिए काम नहीं दिया जा रहा था मुझे नहीं पता है लेकिन इतना जानता हूँ कि सरकार के बिना सब अधूरा है जब तक एक बार सरकार के साथ में काम ना मिल जाए तब तक सब दाँच यारते घूमता रहता है भोजपुर इंडस्ट्री में कोई नहीं सुपरस्टार मानता हमारा ये मानना है बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो नमस्कार